अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके की रहने वाली एक छात्रा जो कि क्वासी थाना इलाके के रामघाट रोड स्थित आवर लेडी फातिमा ओएलएफ स्कूल में दसवीं की छात्रा थी। छात्रा को ओएलएफ स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा डांट फटकार करने का आरोप लगा। 2 मई की दोपहर को स्कूल में प्रिंसिपल की डांट फटकार से आहत होकर छात्रा ने उसी रात घर पर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा की आत्महत्या मामले में एबीवीपी छात्र नेताओं ने आज बुधवार को एडीएम सिटी कार्यालय पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। छात्र नेताओं ने अन्यथा की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद एडीएम सिटी अमित भट्ट ने छात्र छात्राओं के बयान दर्ज करके एसीएम द्वितीय को जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल 2 मई की दोपहर को आवर लेडी फातिमा ओएलएफ में पढ़ने वाली दसवीं की छात्रा अपने किसी सहपाठी से क्लासरूम में बात कर रही थी। इसी को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने छात्रा को सभी के सामने डांट फटकार की और ऑफिस में परिजनों के साथ बुलाकर उसका बस्ता उसके हाथों में थमाते हुए जलालत महसूस कराई और उसके बाद छात्रा को रेस्टिगेट कर दिया गया। इसी बात से आहत होकर छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद जानकारी मिलते ही प्रिंसिपल ने उस छात्र को भी रेस्टिगेट कर दिया जिससे छात्रा बात कर रही थी। इन सभी घटनाओं को लेकर 2 दिन पूर्व स्कूल के गेट पर छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्कूल प्रिंसिपल के इस्तीफा की मांग उठाते हुए प्रदर्शन भी किया था। आज एबीवीपी के छात्र नेताओं ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। 2 मई 2024 को ओएलएफ की 10वीं क्लास की छात्रा ने जो आत्महत्या की थी उसी संदर्भ में आज हमने जो है एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि ओएलएफ स्कूल के उसके सहपाठी सभी छात्र छात्राएं जो है स्कूल में आंदोलन कर रहे हैं वो सीधा सीधा आरोप स्कूल प्रशासन पर लगा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर छात्र छात्राएँ आपस में बात नहीं कर सकते। लड़के लड़कियाँ यदि स्कूल के अंदर बात कर लेते हैं तो वहाँ की प्रिंसिपल और वहाँ का स्टाफ हमें जो है मारता है, पीटता है, हमारे ऊपर बैग फेंक के मार देता है, हमें जो है सार्वजनिक अपमानित कराता है, हमारे माता पिताओं को बुला के भी अपमान करता है। यही ऐसे सारे आरोप जो है वहाँ के सभी छात्र छात्राएँ लगा रहे हैं। इसी कारण से उस छात्रा ने भी आत्महत्या की थी। उसको जो है बिना जाँच के रेस्टिकेट कर दिया गया था। उस पर जो है बर्डन डाला जा रहा था प्रिंसिपल के द्वारा। ऐसे सभी मांगों को लेकर आज हमने जो है एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया है कि स्कूल के अंदर एक काउंसलर की नियुक्ति की जाए जो समन्वय शिक्षकों और छात्रों के बीच में जो है कर सके। हमने एडीएम सिटी साहब से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि स्कूल के बाहर एक शिकायत पेटिका लगाई जाए। उस शिकायत पेटिका में छात्र यदि कोई अपनी समस्या जो है स्कूल के अंदर नहीं बता पा रहा है तो वो सारी शिकायतें उस शिकायत पेटिका में डाले और उस शिकायत पेटिका की चाबी संबंधित थाना क्षेत्र में जो भी अधिकारी हो उसको सौंपी जाए जिससे वो अधिकारी वहाँ से सारी शिकायतें निकालकर और स्कूल प्रशासन से जो है उनसे आपस में जो है आदान प्रदान सभी कर सके। हमने मांग की है कि समय समय पर जैसे पुलिस की पाठशालाएं कई सारे स्कूल में डिग्री कॉलेज में लगाई जाती हैं क्यों ना इन शहर के गिने चुने स्कूलों में क्यों नहीं ऐसी पाठशालाएँ लगाई जाती। हमने कहा है कि ऐसी पाठशालाएँ जो है स्कूलों के अंदर लगाई जाएँ जिससे वहाँ छात्र अपनी शिकायत डायरेक्ट जो है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सामने बैठे हों उन्हें बताए और सामने ही उन सभी शिकायतों का निदान कराए। जब इस प्रकार का माहौल जब स्कूल के अंदर बनेगा तो निश्चित रूप से एक पढ़ाई का माहौल होगा। वहाँ कोई हिटलर शाही नहीं होगी। जो बच्चे आज प्रमुख मांग है हमारी जो वहाँ छात्रा ने सुसाइड की है वो सुसाइड किन कारणों से की है? क्या स्कूल का दबाव था? वहाँ के छात्र छात्राएँ आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल का जो है बर्डन था, मैडम ने जो है उसको सार्वजनिक अपमानित किया था छात्रा को, उसी के बाद उसने जो है आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। तो वो सारे सीसीटीवी फुटेज उस दिन स्कूल के और छात्र छात्राओं के स्कूल के छात्र छात्राओं के जो है बयान लिए जाएँ तो कड़ी से कड़ी जोड़ के यदि स्कूल प्रशासन दोषी होता है तो यहाँ से जो है कार्रवाई की जाए। हमारी ये मांग। आज आपके द्वारा किसको और किस तरीके का ज्ञापन दिया गया? आज हमने अलीगढ़ प्रशासन के एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया है। ओएलएफ में पिछले दिनों एक घटना हुई थी, छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी जिसके कारण ओएलएफ की प्रिंसिपल का साफ साफ जाहिर होता है कि वहां पर उन्होंने उस छात्रा को इतना प्रताड़ित कॉलेज के अंदर किया गया, एक छोटी सी बात को लेकर उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे कॉलेज से रेस्टिगेट किया गया, उसके कॉलेज बैग को उसके मुँह पर फेंका गया। ऐसा लगता है कि कॉलेज अलीगढ़ में नहीं कहीं ईरान या सीरिया कानून से लागू चल रहा हो, क्योंकि जिस प्रकार की घटना उस कॉलेज के अंदर हुई निश्चित रूप से उसमें उस आत्महत्या की जिम्मेदार उस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। हम लोगों ने मांग की है कि इस आत्महत्या से संबंधित सीसीटीवी फुटेज जो कि कॉलेज में दुर्व्यवहार किया गया था उसकी जाँच होनी चाहिए और अलीगढ़ प्रशासन एक जाँच कमेटी बनाए, इस पूरे आत्महत्या केस की जाँच कराए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अभी अलीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि हम इसकी जांच कराए रहें, जांच कराने के बाद तथ्य सामने आएंगे। अगर अलीगढ़ प्रशासन
इस जांच के बाद भी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करता तो अलीगढ़ का समूचा छात्र रोडों पर आकर प्रदर्शन करेगा। सर आज एबीवीपी छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन है, क्या मांग है? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है ओएलएफ स्कूल के संबंध में। इसकी जाँच जो है एसीएम टू से कराएंगे और जांच के पश्चात जो है जो उनके द्वारा बताया गया है उन बच्चों के बयान भी दिए जाएंगे और जांच एकदम स्पष्ट करा के और जो ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में उसकी जाँच जो है। सर दसवीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या की, उस संबंध में यदि परिजन जो बच्ची के परिजन हैं यदि कोई शिकायत देते हैं तो संबंधित थाने के माध्यम से उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा जो अभी ज्ञापन दिया गया है इसमें हम अपनी तरफ से एसीएम टू से जांच करें।